सब आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में। हम लोग वैदिक काल से होते हुए धार्मिक युग को देखते हुए, मध्यकाल को देखते हुए, ब्रिटिश समय से लेकर अभी वर्तमान के समय में भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी और उन्हें कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनकी समस्या के समाधान के लिए भारत में भारत के सरकार के द्वारा तथा यहाँ के समाज सुधारकों के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की गई थी उनके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और देखिए, आज का जो क्लास है ये आपका पीजीडी एग्जाम के लिए, साथ ही साथ ये आपका राजस्थान सेट यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। अगर आप बात करें वैदिक युग में, तो वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था, उन्हें यज्ञ करने का अधिकार था, मंत्रोच्चार हुए करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय के अंतर्गत परिवर्तन आया, उनकी स्थिति में भी हमें परिवर्तन देखने को मिला। मध्यकाल बोला जाता है कि यह महिलाओं की बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी। उन्हें बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी थी, समाज के अंतर्गत बहुत सारी कुप्रथाएं आ गई थी, जैसे आपका बाल विवाह। 5-6 साल की जो बच्ची होती थी वो मध्यकाल में माना जाता था कि बहुत ही परफेक्ट एज है उनकी शादी का। तो ऐसे हम लोग को बाल विवाह की समस्या देखने को मिली। दहेज उत्पीड़न का जो मामला था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। हमारे आधुनिक समाज में भी हम लोग दहेज उत्पीड़न का मामला देखते हैं कि समय समय पर बहुत सारी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको दहेज के लिए बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। सती प्रथा ये देखने को मिले था। फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन लोगों में हलाला प्रथा या तलाक का जो नियम था ये भी हमें देखने को मिला। तो ये सारे नियम क्या है, ये महिलाओं की स्थिति को निम्न करने की स्थिति थी। और जो पर्दा पठा था ये सब तो जब भारत के अंतर्गत मुगल आए, तो मुगल लोग के आने के कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सब चीज हमें देखने को मिली। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वैदिक युग में कैसा था। तो देखिए, वैदिक युग में जो था वो महिलाओं की स्थिति अगर बात की जाए तो उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उनको एक सामान्य स्थान प्राप्त था, उन्हें देवी के समान पूजा जाता था और इसलिए बोला जाता था कि यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहां पे किनका निवास होता है, तो ईश्वर का निवास होता है। और वैदिक युग की बात की जाए तो उस समय गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेय, ये सब क्या थी, विदुषी महिलाएं थी जिनकी उस युग में उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान था, वो समाज के लिए बहुत ही ज्यादा कार्य की। इसके बाद धीरे धीरे जब मध्यकाल का समय आया, तो मध्यकाल के समय में क्या था, बहुत उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। अगर बात की जाए 11वीं शताब्दी की, तो 11वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही निम्न होती चली गई। उन्हें अबला माना जाने लगा, उन्हें अबला मानकर उनके जो स्वतंत्रता का अधिकार था उनसे छीन लिया जाने लगा। स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया, उन्हें जो विधवा, पुनर्विवाह, ये सब चीजों पर रोक लगा दी गई। और सती प्रथा, उसके बाद आपका पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इस प्रकार की जो कुप्रथाएं थी इस युग में हमें देखने को मिली। लेकिन इन सभी चीजों के होने के बाद भी जो धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक रूप में महिलाओं ने कुछ अपना, कुछ कुछ ऐसी महिलाएं भी थी हमारे भारतीय समाज में जिन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाया। इसमें मीराबाई, अक्का महादेवी, राणा रानी जाना देवी, ये सभी क्या की थी, मध्यकालीन में अपना एक अलग ही स्थान उन्होंने ग्रहण किया था। और उसके बाद बात की जाए मध्यकाल के बाद, जब 19वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन हुआ, तो धार्मिक आंदोलन होने के बाद क्या देखा गया कि इस समय जो महिलाओं के ऊपर बहुत सारे जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना, 5 से 6 वर्ष की जो बच्चियां थी उन्हें विवाह करवाना, उनके लिए विवाह का जो ये आयु है उसे सही माना गया।
फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश के आने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार बहुत ज़्यादा किया गया। ब्रिटिश काल के समय में बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सही करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन जी के द्वारा, जिन्होंने क्या किया कि सती प्रथा, ये जो सती प्रथा था कि उसको बंद करवाया, उनको बंद करवाने का बहुत ही ज़्यादा उन्होंने काम किया। और राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के बंद करने के बाद, इन्होंने कब इसको बंद किया था, तो इन्होंने बंद किया था 1988 में। तो इससे पहले जब अंग्रेजी सरकार आई थी, तो अंग्रेजी सरकार के शासन काल में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए 1829 में उन्होंने ये फैसला लिया था। लेकिन क्या हुआ था कि ब्रिटिश लोग तो भारत के लोगों को बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि जो भारतीय परंपरा है ये भी इसको मानने के तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो महिलाओं को सती हो जाना चाहिए, इसको अच्छा माने जा रहा। तो इनका द्वारा जो कार्य किया गया उस वो उतना सफल नहीं हुआ जितना कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1988 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई। ये सारे जो संस्थाएं बनाई गई, ये सब क्यों बनाई गई, ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। रामकिशन मिशन स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ईश्वर चंद विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले ने दलित स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किया। और जब बीच में जब मध्यकाल के समय जब मुगल लोग आए थे शासन में, तो उसमें भी जो महिलाएं थी जो कि राजनीति के क्षेत्र में थी, उन्होंने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। और उस समय भी राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी महान स्त्रियां हुई जिसको कि हम लोग देखते हैं, जैसे रजिया सुल्तान जो कि भारत की मुगल शासिका, एकमात्र मुगल शासिका थी, उन्होंने उस समय शासन किया था। गोंड की महारानी दुर्गावती, शिवाजी महाराजा की माँ जीजाबाई, अवध की सह शासिका बेगम हजरत महल, आगरा की नूरजहां और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता है, कितूर की रानी चेन्नम्मा और कर्नाटका की महारानी अब्बक्का। तो देखिए, समय समय पर हर एक युग में आप किसी भी काल को ले लीजिए, तो महिला हुई थी जिन्होंने समाज के लिए भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को अपने क्षेत्र में सफल किया, लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें उस प्रकार का अधिकार नहीं प्राप्त था। तो उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि बोला जाता है कि महिलाएं क्या होती है, वो दो परिवारों का संरक्षण करती हैं, तो उनके शिक्षा के लिए सबसे पहला जो इंडिया में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई वो 1879 में, और वो कब की गई थी, कि कौन सा कॉलेज था, बिथ्यून कॉलेज, और 1879 में इसकी स्थापना की गई थी। और चंद्रमुखी वसु, कादंबिनी गांगुली, आनंदी गोपाल जोशी जो कि 1886 में इन्होंने फर्स्ट, ये जो महिलाएं हैं अपना एकेडमिक उनका सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किया। उसके बाद अगर आज़ादी के समय बात की जाए, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिश शासन जब आया, ब्रिटिश के आने के बाद जब भारत में भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, तो महात्मा गांधी जी के आह्वान से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि देश के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने परिवार, अपने घर परिवार सबको त्याग करके आज़ादी की लड़ाई में आए। इसमें शांति घोष, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू, अमृत कौर, कस्तूरबा गांधी, सुचेता कृपलानी, ये सब महान नायिका हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यों को उन्होंने संपन्न किया। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद देखा गया कि महिलाओं की जो स्थिति है वो तो निंदनीय थी, उन्हें उस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, उनका हनन हो रहा था, तो उनके सम्मान की रक्षा के लिए, उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए जब संविधान की रचना की गई, तो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद जो 14 है वो बोला
कि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होगा, ये अनुच्छेद 14 में बताया था। और ये सारे जो अनुच्छेद हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर उन्हें बोला गया कि राज्य के द्वारा महिलाओं के ऊपर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए अनुच्छेद 15 बनाया गया। अवसरों की समानता अनुच्छेद 16 बात करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर महिलाएं पुरुषों के समान काम करती हैं तो पुरुषों के समान ही उन्हें वेतन भी मिलना चाहिए, ये अनुच्छेद 39 बात करता है। जो अपमानजनक प्रथाएं हैं जो महिलाओं के लिए थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह, दहेज प्रथा, लिंग की जांच करवाना, इस प्रकार की जो कुप्रथाएं थी वो अनुच्छेद 51AE में बोला गया कि इस प्रकार की कुप्रथाएं नहीं की जाएंगी। फिर जो महिलाएं प्रसूति के लिए, डिलीवरी के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी, ये अनुच्छेद 42 में बोला गया, क्योंकि महिलाएं जो थे प्रसूति के समय भी उनके जो मृत्यु दर थी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि वे कुपोषण का शिकार हो जाती थी। ताकि वे कुपोषण का शिकार ना हो, उनको फैमिली से प्रोटेक्शन मिले, मनी प्रोटेक्शन मिले, इनके लिए अनुच्छेद 42 में प्रावधान किया गया। उनका अनैतिक व्यापार ना किया जाए, इसके लिए 1987 में अधिनियम बनाया गया। जो लिंग जांच की, जो शिशु भ्रूण हत्या के मामलाएं जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी 19वीं-20वीं शताब्दी में, तो उसकी रोकथाम के लिए लिंग पूर्व जांच जो था, गर्भ में शिशु की जांच करना कि वो कौन से लिंग का है, ये प्रतिषेध किया गया 1994 में। महिलाएं थी वो घरेलू हिंसा का बहुत ही ज़्यादा शिकार हो रही थी, दहेज प्रथा के कारण उनके तो बहुत ज़्यादा उनको हानि पहुंच रही थी, इसके रक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लागू किया गया। बाल विवाह 2006 में। लैंगिक उत्पीड़न, जैसे कार्य क्षेत्र में अगर वो किसी अपने जिस क्षेत्र में काम करती हैं उनका जो कार्यस्थल है उसमें अगर वो लैंगिक उत्पीड़न के शिकार होती हैं तो इसके उनके अधिकार के लिए भी 2013 में अधिनियम बनाया गया। उसके बाद आपका जो छुआछूत की बात है कि छुआछूत अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में बनाया गया। आर्य विवाह वैधानिक जो नियम था वो 1937 में मिला। दहेज निरोधक 1984 में। तो ये सभी अधिनियम जो है ये पूछा जाएगा। फिर वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986 में बना। और संविधान में भी बात किया गया कि जब 1992 में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जब पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, जो नगर पालिका है उसके लिए बात की गई, तो महिलाओं के अधिकार के लिए 33% उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया कि महिलाओं का सीट जो होगा वो इन सभी क्षेत्रों में आरक्षित रहेगा। और अगर वर्तमान समय में स्त्रियों की बात की जाए तो वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में भी बहुत सारे चेंज हुए हैं। अब उनको पुरुषों के समान साक्षरता मिल रही है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाएं जो है वो पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण कर रही है, उनके समान कार्य कर रही है। वर्तमान समय की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारी महान हस्तियाँ हुई हैं, जैसे इंदिरा गांधी हो गई, आपका ममता बनर्जी हो गई, उसके बाद आपका सानिया मिर्जा, हर एक जो महिलाएं हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में वे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को वे संपन्न कर रही है। और भी भारत में ऐसे बहुत सारी महिलाएं जिनको देखा जाए, जैसे मैरी कॉम हो गई, तो ये सारी क्या थी, महान महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किया है। और उनकी समस्याएं समाज के अंतर्गत होते हुए भी उनके सम्मान की रक्षा के लिए समय समय पर ये नियम बनाए गए। और यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, जो NCRB है ये देखता है कि समाज के अंतर्गत कौन कौन से अपराध घटित हो रहे हैं। NCRB जो कि आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, और केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्यों चलाया गया, क्योंकि ये बोला गया कि पहले बच्चियों को आप पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद उनका विवाह कीजिए, क्योंकि ऐसे समाज, हमारा जो
भारतीय समाज है वो ग्रामीण समाज है, तो इसमें कम उम्र में ही लड़कियों को विवाह दे दिया जाता है, जिसके कारण एक तो वह शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाती है और कम उम्र में शादी होने के कारण वह फिजिकल तौर पे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो बोला गया कि नहीं, पहले आप बेटियों को शिक्षा दीजिए। उनके शिक्षा देने के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, बेटियों के लिए सुकन्या योजना की तैयार किया गया ताकि बच्चे जो है वो इंटर लेवल तक पहले अपना अच्छा से पढ़ाई कर ले, उसके बाद फिर अगर वो अच्छा से ग्रेजुएशन कर लेती है तो फिर उसको सरकार के द्वारा फिर और भी कुछ धनराशि दी जाएगी ताकि उनके विवाह में उसको सहायता हो सके। तो ये सारे कार्य किए गए ताकि महिलाओं की जो समाज में स्थिति है उसे सुधार किया जा सके। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास से अच्छे प्रकार से समझ में आई हो गई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।